4 में दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई पक्की, कब रिलीज हो सकती है धूम 4। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जैल। यशराज फिल्म्स के सबसे पॉपुलर सीरीज की बात करें तो उसमें धूम का जिक्र जरूर होता है और धूम फ्रेंचाइजी की जो अगली किश्त है उसका सभी को इंतजार है बेसब्री से। अब यशराज फिल्म 2021 में धूम 4 को लॉन्च करने का विचार कर रहे हैं, जिसके स्टार कास्ट को लेकर कई बार खबरें आ चुकी है। अब तक धूम में जॉन, ऋतिक रोशन से लेकर आमिर खान का दमदार किरदार फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया है। और अब धूम 4 में कौन होगा विलन, क्योंकि विलन के लिए ही सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और आपको बता दें, धूम फ्रेंचाइजी की बात करें तो यशराज फिल्म्स ने विलन ऐसा लेकर आए जो दर्शकों को चौंका के रख दिया। तो अब जो धूम 4 में विलन होने वाला है वो ना होने वाले है जॉन, ना ही ऋतिक, बल्कि दीपिका पादुकोण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की सुपर हीरोइन दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के लिए कास्ट कर लिया है। अभी भले इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन 99% लग रहा है कि दीपिका ही इस फिल्म में होने वाली है। फिल्म फेयर की एक रिपोर्ट की माने तो धूम 4 में दीपिका पादुकोण को लेकर विचार जारी है। फिल्म मेकर विलन के तौर पर इस वक्त दूसरी चेहरे को लेना चाहते थे, इस वक्त वो हीरोइन को लेना चाहते थे और कुछ अलग करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा है कि इस फिल्म में वो दीपिका को लेंगे। वैसे बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं हो रहा है जब विलन कोई हीरोइन है, और भी फिल्में हैं जैसे कि अक्षय कुमार संग विपाशा बसु अजनबी फिल्म में विलन बनी थी, वैसे ही आतराज में प्रियंका चोपड़ा के नेगेटिव किरदार ने सभी का दिल जीत लिया था। तो ये बहुत सारी हमारी सुपर लेडी है जो हर तरह का किरदार कर सकती है, इसीलिए इस बार दीपिका पर आजमाया जा रहा है ये, और दीपिका इस पर खरी भी उतरेंगी क्योंकि वर्सल एक्टर है वो और हर किरदार को बखूबी निभाती है। वहीं दीपिका की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो पठान को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चाओं में एक बार फिर से शाहरुख के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या धूम 4 में विलन जो है वो दीपिका होनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।